अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मीट बॉल्स बनाएंगे हम, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बेहद टेस्टी होते हैं ये, अंदर से चीज़ी और बाहर से क्रिस्पी। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बाउल में हरी मिर्च लेंगे 5-6 और लहसुन लेंगे 8-10 जवे और थोड़ी सी अदरक लेकर इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कीमा है जो कि हाथ का कुटा था, तो इसलिए मैंने मिक्सी में इसको बारीक पीस लिया है। आप मशीन का कीमा लीजिएगा तो ये प्रोसेस आसान हो जाएगी। उसके बाद इस पेस्ट को इसमें डालेंगे और 2 छोटे चम्मच डालेंगे गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है ये, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, मिर्ची डाल देंगे और 1 नींबू का रस डाल देंगे। और अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है कीमे के साथ। तो जब ये मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन यहाँ पर बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और साथ ही मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करेगा। बेसन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फाइनली हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च और पुदीना भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मटन कीमा लिया है, आप चिकन कीमे के साथ भी इसे बना सकते हैं इस मीट बॉल को। और अगर कीमा फैट फ्री है तो इसमें थोड़ा सा घी, ऑयल या बटर डाल सकते हैं। और अब हम तैयारी करेंगे मीट बॉल बनाने की। तो बोर्ड को ग्रीस कर लिया है, हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, जिस तरह से लोई लेते हैं रोटी बनाने के लिए। उसके बाद हमें इसे फ्लैट कर लेना है। तो इस तरह से सेंटर में हम रखेंगे मोज़रेला चीज़, क्योंकि ये चीज़ी मीट बॉल्स हैं। आप बिना चीज़ के भी बना सकते हैं इसे, जैसे कोफ्ते बनते हैं ना, उस तरह से भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। और उसके बाद हमें इस तरह से सील कर लेना है और राउंड शेप देना है, फिनिशिंग आ जाएगी, तब हम इसे साइड में रखेंगे और बाकी इसी प्रोसेस से सारे मीट बॉल्स रेडी कर लेंगे। ध्यान इस बात का रखिएगा कि कीमा रूखा ना हो। अगर मटन कीमा है तो उसमें फैट डलवाइएगा, चिकन कीमा है तो घी या बटर डालिएगा। तो जब सारे बॉल्स रेडी हो जाएंगे तब हम ऑयल गरम करेंगे, इसे हमें डीप फ्राई करना है। और सारी बॉल्स इसी तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल मैंने ऑलरेडी गरम होने के लिए रख दिया था, तो अब हमें मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। तो जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे, थोड़ा सा टर्न करेंगे इसकी पोजीशन को, इधर उधर करेंगे और इन चीज़ बॉल्स को बहुत ही आराम से हैंडल करेंगे, नहीं तो फूट जाएंगे और चीज़ बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से देखिए कितनी चीज़ी लग रहे हैं। चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बहुत अच्छे से ये मीट बॉल्स फ्राई हुए हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और स्पेशली इफ्तार के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं। फाइनली ये हमारे चीज़ी और डिलीशियस मीट बॉल्स रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।